नमस्कार दोस्तों, आज हम सिलवासा और दमन के शहर पर जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। सिलवासा यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। मुंबई से सड़क मार्ग की दूरी 160 किलोमीटर है और ट्रेन से निकटतम रेलवे स्टेशन 16 किलोमीटर दूर वापी है। लगभग 45 मिनट के सफ़र के बाद अभी हम बटरफ्लाई पार्क में पहुँचे हैं। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम पार्क में अभी एंट्री कर रहे हैं, तो चलिए अभी अंदर पार्क में घूमने के लिए चलते हैं। यह पार्क मंगलवार से रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को पार्क बंद रहता है। पार्क में प्रवेश निःशुल्क है। फ्रेश हवा और शांत वातावरण में आप यहाँ पर तरोताज़ा महसूस करोगे। इस समय यहाँ पर स्कूल के बच्चों की ट्रिप घूमने के लिए आई हुई है। पार्क में घूमने के लिए सुंदर फुटपाथ बने हुए हैं, जिसमें घूमते हुए बहुत ही आनंद आता है। अभी अभी हमें एक तितली के दर्शन हुए हैं। ये देखो कैसे घूम रही है। अभी इस समय फरवरी का महीना रहने के कारण बहुत कम मात्रा में बटरफ्लाई देखने को मिल रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच में यहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाई देखने को मिल जाएंगे आपको। बटरफ्लाई पार्क के सामने ही रोड के दूसरी तरफ प्रकृति परिचय केंद्र खानवेल ये बना हुआ है। इसे देखने के लिए अंदर चलते हैं। यहाँ छोटी सी एग्जीबिशन गैलरी भी है, यहाँ छोटा एक्वेरियम भी है और म्यूजियम भी है। इस प्रदेश में पाए जाने वाले पक्षी और पशुओं के बारे में जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है। साथ में यहाँ पर छोटा सा घूमने के लिए गार्डन भी है। आइए यहाँ पर घूमते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति 10 रुपये की एंट्री टिकट है। टिकट लेकर हम अंदर घूमने के लिए आए हुए हैं। अभी अभी हम खानवेल से दुधनी लेक की तरफ जा रहे हैं। दुधनी लेक यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है। यह लेक दमन गंगा नदी के ऊपर मधुबन डैम में बना हुआ है। यहाँ पर बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स की भी सुविधा उपलब्ध है। अभी हम बोटिंग पॉइंट पर पहुँचे हुए हैं। आधे घंटे की राइड के लिए यहाँ पर एक शिकारे के 400 रुपये चार्जेस है। यहाँ से टिकट लेकर चलो अभी हम चलते हैं बोटिंग करने के लिए। ये शिकारे डल झील की तरह ही बने हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत अंदर से सजावट की हुई है। चलो झील में सैर करते हैं।
झील में घूमते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। नीला नीला पानी दिख रहा है, साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही प्रसन्न वातावरण है यहाँ का। पर्यटन डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ पर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, जहाँ पर रुकने की सुविधा उपलब्ध है। गार्डन व्यू के साथ में यहाँ पर सूट्स बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। बोटिंग के बाद चलो अभी लंच के लिए चलते हैं। लेक के दूसरे छोर पर यहाँ पर होटल्स बने हुए हैं। लेक के दूसरे छोर पर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। दोपहर का 1 बज रहा है। यहाँ पर हम लंच करेंगे और उसके बाद में जम्पोर बीच दमन की तरफ जाएंगे। अभी हम दमन पहुंचे हैं और बीच के तरफ जा रहे हैं। यह देखो सामने में ही बीच आ गया है। अभी हम दमन के जम्पोर बीच में पहुंचे हैं। अभी शाम हो रही है और शाम को यहाँ पर हम सनसेट का आनंद लेंगे। अभी थोड़ी देर में गाड़ी पार्क करते हैं और घूमने के लिए चलते हैं। दुधनी लेक से निकलकर 65 किलोमीटर की दूरी तय कर लगभग 2 घंटे में हम अभी यहाँ जम्पोर बीच दमन में पहुँचे हैं। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी है, जिसका आप आनंद ले सकते हो। साथ में खाने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। आइए इस बीच पर घूमते हैं। अभी शाम हो गई है और सूरज धीरे धीरे ढलते जा रहा है। आइए सनसेट का आनंद लेते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, देखिए और आनंद लीजिए।